शॉपिंग होगी सबसे कमाल। बहुत जल्द स्प्रिंग गेम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और ये डिसाइड किया गया है कि सनफ्लावर ग्रुप मोमो तारो की कहानी पेश करेगा। क्यों बच्चों, ठीक है? ओह, मोमो तारो। मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ और बताती हूँ और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके। इसमें अगर तुम कोई रोल करना चाहते हो तो मुझे बता देना। योशिनागा मैम, मैं बुरी बुरी ज़ायमोन बनना चाहता हूँ। बुरी बुरी ज़ायमोन? बुरी बुरी ज़ायमोन? बुरी बुरी ज़ायमोन तो उस पिक्चर बुक का कैरेक्टर है ना जो तुमने लिखी है। हाँ, वो मेरी स्पेशल बुक का स्पेशल कैरेक्टर है। देखो, कैरेक्टर मोमो तारो की स्टोरी का ही होना चाहिए। ऐसी बात है तो चलिए मैं उराशिमा तारो बन जाता हूँ मैम। अरे शिनचान, क्या उराशिमा तारो मोमो तारो की कहानी का कैरेक्टर नहीं है? नहीं है शिनचान। मैम, आप इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। चलिए आप हमें बताइए कि आगे क्या करना है। ठीक है मैम। हाँ, तुमने ठीक कहा। अगर मैं मोमो तारो का लीड रोल करूँ तो कैसा रहेगा? हाँ, लेकिन इस रोल के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होगी। ठीक कहा मैम। लाइन याद होने के साथ साथ एक्टिंग भी दमदार होनी चाहिए। हाँ, सही कहा। कोई ऐसा जो सच्चा और हिम्मत वाला हो और वो हमेशा सच का साथ दे। हाँ, मेरी बात हो रही है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। मोमो तारो एक लाउड कैरेक्टर है और इस सीरियस कैरेक्टर को करने के लिए मेरे हिसाब से कजामा ठीक रहेगा, ना कि तुम शिनचान। पर अब मैं सुधर गया हूँ। अब मैं सुपर स्ट्रॉन्ग मोमो तारो का रोल प्ले करने को तैयार हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? मोमो तारो सीन वन। एक बूढ़ी औरत नदी में कपड़े धो रही थी और तभी एक पीच बहता हुआ वहाँ पहुँचा। एक मिनट रुको शिनचान, देखो तुमने कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया। पर नदी बहुत तेज बह रही है। तुम अपने हिसाब से चीजें नहीं करोगे। आप हर चीज अपने हिसाब से चाहती हैं, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, एक और बार प्लीज। शिनचान, तुम ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं नदी में बैठा हुआ पीच हूँ। मेरी तरफ देखो। देखो, पीच बातें नहीं करते, सिर्फ आवाज ही काफी है। हम एक बार और करेंगे। वाह, कितना बड़ा पीच है। आओ आओ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। आ जाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था? असल में मैंने सोचा कि कहानी में सस्पेंस और थ्रिल आ जाएगा, इसलिए मैंने भागना शुरू कर दिया। कहानी को इस तरह थ्रिलिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर दोबारा। गोशी गोश, गोशी गोश, गोशी गोश, गोशी गोश, गोशी गोश। मैं गोशी गोश बोलते हुए थक गई। देखो, आपने उसे रुला दिया। हा? क्या तुम कहना चाहते हो कि ये मेरी गलती है? अरे जरा इस बेबी को तो देखो। हा? अरे वाह, कितना क्यूट बच्चा है। कजामा तो इस रोल के लिए बिल्कुल सही है। देखो, इस बच्चे ने अपने आप को गीला कर लिया है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, ऐसे ही करते रहोगे तो काम पूरा नहीं होगा। मोमो तारो की ये कहानी कितनी ज्यादा यूनिक है। ये यहाँ क्या कर रही है? अगर इसी तरह काम करती रही तो मुझे नहीं लगता तुम स्प्रिंग प्रेजेंटेशन के लिए कभी भी तैयार हो पाओगी। तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। वैसे मेरा रोज ग्रुप अकासु गिनचेन की तैयारी कर रहा है और उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। आपकी हंसी तो एक विलन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी मात्सुदाका मैम। क्या कहा तुमने? और वैसे भी हम किसी भी कीमत पर रोज ग्रुप से नहीं हारेंगे, समझ गए? मैं तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें देख लूंगी। तो चलो मेहनत से काम करते हैं। ओके। सीन फोर। मोमो तारो और डॉग मिलते हैं। ठीक है डॉग, प्लीज। मैं एक पीच हूँ। मुझे देखो, तुम्हें अब पीच की एक्टिंग नहीं करनी है। इस सीन में तुम एक डॉग बने हो। ओह, पर ये किस तरह का डॉग है? चाउ चाउ, सेन बर्नार्ड या फिर लैब्राडोर? जो भी तुम बनना चाहो, अब शुरू करें। तो फिर मैं शिरो बन जाऊँ? ठीक है चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? शिरो दोपहर को सो रहा है। ठीक है, सीन फोर टेक टू। मोमो तारो और डॉग मिलते हैं। डॉग आओ प्लीज।
बाऊ। अरे नहीं, तुम्हें मोमो तारो कहना है। पर ये डॉग कैसे बोल रहा है, शिरो तो नहीं बोलता। कोई बात नहीं शिनचैन, कभी कभी कहानियों में डॉग्स बातें कर लेते हैं, समझ गए तो? इस कहानी में लेमन टी कुछ कम है। लेमन टी नहीं शिनचैन, रियलिटी। ठीक है, और अब बातें नहीं, कंटिन्यू करते हैं। एक्शन। मोमोतारो मोमोतारो मोमोतारो। तुम अपनी लाइन भूल गए क्या? क्या तुम्हें ये नहीं कहना था कि मोमोतारो क्या तुम अपने बैग से मुझे एक राइस केक दे सकते हो? मतो मारो, तुम अपने केक में राइस बैग डाल सकते हो क्या? एब्सोल्यूटली। मैम, क्या आपको नहीं लगता कि डॉग्स की लाइन शिनचैन के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी है? तो क्या मैं एक गूंगा डॉग बन जाऊँ? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब लोग बहुत मतलबी हैं। ठीक है, सीन 16। मोमोतारो शैतानों के आइलैंड पर पहुंच जाता है। देखो, शैतानों का आइलैंड बो रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, डॉग मंकी और बर्ड, चलो उन्हें हराते हैं। ठीक है, मेरे साथ मेरे पीछे आओ। हाँ, हाँ, चलो उन्हें हराते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो आखिरकार हम शैतान के आइलैंड पर पहुंच ही गए। योशिनागा मैम, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगा? तुम बनोगे, देखती हूँ तुम्हारे लिए। क्या अपनी प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है? उसने कहा कि वो नदी में कपड़े धोती हुई बूढ़ी औरत के पीछे वाले पेड़ का रोल कर रहा है। वो अपने रोल को लेकर काफी सीरियस है। आज मैंने राक्षस को हराया। सितारों ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और इसलिए उसे बहुत सारा सोना मिला। उसने सोना फ्रेंड्स और फैमिली में बांट दिया, और सबको लगा वो बहुत दयालु और फ्रेंडली है। हैं आप सबका शुक्रिया। ये थी चेरी ब्लॉसम ग्रुप की कहानी। अब हमारी अगली परफॉर्मेंस देने आ रहा है सनफ्लावर ग्रुप। उनकी कहानी का नाम है पीच ट्री। ये तो बहुत बड़ा पीच है। वाव, बहुत टेस्टी लगता है। सुनिए, क्या आप मेरे लिए ये पीच काट देंगे प्लीज? हाँ हाँ, जरूर काटूंगा। वाह, यहाँ तो एक बच्चा नहीं है, ये तो खाली है। अब क्या करें? वाह, हा, 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 लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं हूँ पीच बॉय मोमोतारो का डैड पीच ट्री। अरे अरे मिट्सी, ये सब क्या है? अरे मिस्टर पीच ट्री, कजामा कहाँ है? मेरा मतलब आपका बेटा मोमोतारो कहाँ है? हाँ, मुझे पता है, पीच बॉय मोमोतारो को राक्षस ने पकड़ लिया है। आप दोनों को इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। राक्षस उन सबको टापू पर ले गया है। हमें किसी भी हालत में मोमोतारो और बाकी सबको वहाँ से शेव करके लाना है। शेव नहीं, सेव। अरे अब इस तरह खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो अब राक्षस की टोपी की ओर बढ़े। चलो, टोपी नहीं टापू शिनचैन। वो देखो दोस्तों, वो रहा टापू। ये तो बहुत डरावना है। ओए, मुझे बचाओ। तो यहाँ पर उन्होंने मोमोतारो को छिपा रखा है। मैं चलता हूँ, तुम तो उसे बचा ही लोगे। ये मुझे पसंद नहीं। हाँ, मैंने भी मोमोतारो की ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी। उफ, तुमसे बहुत मतलबी हो। सुनो बड़े दरवाजे, खुल जाओ, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, खुल जाओ। तो खुल गया, चलो अब चल के मोमोतारो को बचाएं। चलो दोस्तों। मैं शिनचैन की मदद करता हूँ। शिनचैन, आगे रास्ता बंद है मिक्सी। रुक जाओ यहीं। शिनचैन, ये मोमोतारो की स्टोरी नहीं लग रही है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता?
बस मुझे अब घर जाना है। मुझे भी घर जाना है। अरे तुम सब कितने कमजोर हो, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे घर बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन हमें तो डर लग रहा है। अब तो मुझे भी घर जाना है। तो चलो चलते हैं। शिनचैन वहाँ देखो, बच्चे टार्ज़न टार्ज़न खेल रहे हैं, पर वो बिल्लियों की तरह क्यों रो रहे हैं? वो बच्चे नहीं है, वो डॉग, मंकी और बर्ड है। तुमने सही कहा। वो नहाने के लिए पानी गर्म कर रही है, मुझे भी हॉट वाटर बाथ लेना है। अरे नहीं वो ये बताओ तुम मेरे आइलैंड पर क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत ही बड़े राक्षस हो। शिनचैन, मेरा मतलब बचाओ। अरे ये तो मोमो तारो है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ? देख नहीं सकते मुझे पकड़ रखा है। ओहो, वहाँ से नज़ारा अच्छा दिख रहा होगा ना? अपना मुंह बंद रखो और मुझे बचाओ। देखो अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें राइस केक दूंगा। राइस केक? मैं राइस केक की बजाय चाकू चिप्स खाना पसंद करूंगा। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, चाहे राइस केक हो या चोको चिप्स। प्लीज मुझे बचाओ। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये छोटा सा बच्चा मुझे हरा कर तुम्हें बचाने आया है। कितना शैतान बच्चा है, ये तो बहुत तेज भागता है। देखो मिस्टर राक्षस, ये मैं न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए खींच रहा हूँ। नहीं ऐसा मत करना प्लीज। मैं सबको तुम्हारे यहाँ होने के बारे में बता दूंगा। देखो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसा मत करो। शिनचैन, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम अकेले में बोर हो जाते होगे। किसी ने आज तक मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की और मुझे इतना अच्छा गिफ्ट भी नहीं दिया। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सब खुशी से रहने लगी। मोमो तारो, मोमो तारो, मेरे बिना मोमो तारो का क्या होता? कितनी अच्छी कहानी थी। हे शिनचैन, तुम सो नहीं सकते, तुम्हारी बारी आने वाली है। तुम एक पन्नी सपना देख रहे थे, क्यों बोलो है ना? इसे तो बस आराम करने का एक मौका चाहिए। अरे तुमने तो मुझे पकड़ लिया कजामा। तो सभी बच्चे तैयार हैं? थोड़ी देर में प्ले स्टार्ट होने वाला है, डरना मत। ओके ओके। ये बहुत बढ़िया। गोशी गोश, गोशी गोश। एक बार सपने में कर लिया, अब दोबारा करना कितना बोरिंग लग रहा है।